कोरोना वायरस की एडवाइजरी को देखते हुए योगी सरकार ने लोगों से एक जगह जमा न होने के निर्देश जारी किए, तो इसका असर शाहीन बाग के तर्ज पर बैठी लखनऊ के घंटाघर की महिलाओं पर पड़ना लाजमी था। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की कि वह लोग कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए घंटाघर खाली कर दें, लेकिन इस अपील का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर होता नहीं दिखा। ऐसे में गुरुवार दोपहर पुलिस की एक टीम इन महिलाओं से बातचीत करने पहुंची, तो घंटाघर पर बैठी महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया। सैकड़ों की तादाद में अलग अलग जगह से मुस्लिम महिलाएं धरना स्थल पर पहुंच गईं और लगातार पुलिस और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। धरना आयोजकों में कई लोग सिविल सोसाइटी के थे, जिन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया और पुलिस को पीछे हटना पड़ा। पुलिस को देखकर घंटाघर पर बैठी महिलाएं उग्र हो गईं और लगातार पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने साफ कहा कि उन्हें कोरोना का खौफ नहीं, उन्हें CAA, NPR और NRC का खौफ है, इसलिए वह लोग इस धरने से नहीं हटेंगी। चाहे कोई एडवाइजरी क्यों ना आ जाए, चाहे कोरोना का कोई असर भी हो, लेकिन धरना चलता रहेगा। हालांकि ऐसे धरना प्रदर्शनों को लेकर योगी सरकार के तेवर भी सख्त हैं और कोरोना को रोकने के लिए सरकार ने भी ऐसे धरना प्रदर्शन पर जुटने वाली भीड़ को रोकने का मन बना लिया है। अब देखना यह है कि क्या कोरोना के खौफ और असर को देखते हुए ये धरना खत्म होता है या सरकार कोई सख्त कदम लेती है। जिस तरह की पुलिस डिप्लॉयमेंट घंटाघर के आसपास दिखाई दे रही है, उससे ये साफ है कि अगर महिलाओं की भीड़ नहीं हटी तो शायद सरकार इस मामले में सख्ती से निपट सकती है, क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने का कोई रिस्क सरकार नहीं लेना चाहती। कोरोना के असर और खौफ को देखते हुए प्रशासन ने सभी तरह की लोगों के एक जगह जुटने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है और सबों से अपील की जा रही है कि वो लोग बड़ी तादाद में एक जगह नहीं रहे। हम इस वक्त घंटाघर पर हैं और महिलाएं जो घंटाघर पर NTCA यानी CAA के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रही थी, वो तमाम महिलाएं इस वक्त जुट गई हैं, क्योंकि दूसरी तरफ प्रशासन की भी तैयारी है। आप देखिए, इस तरफ RAF लगी हुई है और कहीं पुलिस की मौजूदगी बढ़ी है। इसके बाद से जो मुस्लिम महिलाएं यहाँ प्रदर्शन कर रही थी वो ज्यादा उग्र हो गई हैं और लगातार नारेबाजी कर रही हैं। तो अभी तक घंटाघर पर स्थिति शांत बनी हुई थी, लेकिन आज अचानक से ही माहौल गर्मा गया जब पुलिस की मौजूदगी बढ़ गई। मैं कई लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं। आप लोग जो मारी ना तस्वीर फाइल तोड़ने पुराने से बढ़ गया, तो ये है हम लोग का देश चला जाएगा, वापस नहीं आएगा। कोरोना तो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आज अचानक पुलिस की मौजूदगी बढ़ी है, इसलिए क्या हफ्ते से ये सब कर रहे हैं? तादाद कम होती है, आके लात मार के बचखाना छीन के आदमी लोग को पकड़ के, लेडीज को पकड़ के रास्ते से। तो आप लोग अभी ऐसा जारी रहेगा आपका ये? तो पुलिस की मौजूदगी बढ़ते ही जो महिलाएं हैं वो नारेबाजी शुरू हो गई है, लेकिन प्रशासन ने लगातार ये अपील की है कि वो अपना धरना खत्म करें, क्योंकि कोरोना वायरस का असर बढ़ रहा है। महिलाएं इसे मानने को तैयार नहीं हैं जो यहां पर धरना पर बैठी हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ कृपा शंकर झा, UP तक।